मुंबई के कई इलाकों में विराजमान गणपति पंडालों की थीम इस बार काफी अलग नजर आई, जिनमें एक पंडाल में आने वालों को मास्क और बच्चों को किताबों के साथ पेंसिल प्रसाद में बांटे गए। ये पंडाल गोरेगांव के शास्त्री नगर में है, जहां कोरोना की वजह से भक्तों को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रसाद दिया गया। और इस जगह से वहां गणेश जी के नन्हे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनके लिए प्रसाद के तौर पर मोदक और लड्डू नहीं बल्कि कुछ और ही तैयारी दिखी। गणपति बप्पा के ठीक सामने आपको प्रसाद के साथ साथ पेंसिल, इरेजर और दूसरी सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसकी एक खास वजह बताई गई। दावा किया गया कि ये संस्था कई सालों से इसी तरह से लोगों की मदद करती रही है। इस बार उन्होंने खास तौर पर पंडाल में आने वाले सभी बच्चों को पढ़ाई से जुड़ा सामान प्रसाद के तौर पर दिया। एक चीज जिसने यहाँ सभी का ध्यान खींचा वो था मास्क। समिति के लोगों ने बताया कि पंडाल में आने वाले हर शख्स को आशीर्वाद के तौर पर मास्क दिया गया। हर आदमी को प्रसाद के रूप पर मास्क दिया जाएगा, ये एक जरूरत है, ये एक अवेयरनेस है। इसके अलावा वहाँ जरूरतमंद लोगों को बांटने के लिए राशन के पैकेट भी नजर आए। सिर्फ यही नहीं, पंडाल की सजावट के लिए भी खास तैयारी की गई। वहाँ ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई गई। सौगात की एक बात ये कि महामारी ना होती तो मुंबई में इन दिनों गणपति पंडालों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ता, लेकिन सरकार ने गणेशोत्सव पंडाल में दर्शन करने पर रोक लगा रखी है। फिर भी गणपति के पंडालों की सजावट में कोई कमी नहीं है और गणेशोत्सव के बहाने जरूरतमंदों की मदद की कोशिश भी जारी है, जिसके लिए गोरेगांव के गणपति पंडाल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान प्रसाद में बांटा जा रहा है।